भी तो तुम्हें इसका मिलेगा, मतलब लास्ट क्लास में क्या हुआ था कि बहुत ऊपर नीचे हो गया था, तो इसीलिए मतलब कुछ वीडियोस देख रहे थे कुछ नहीं देख रहे थे, या आज मैं वैसा करवा रहा हूँ सब, तो यहाँ पे तुम्हें इसका वीडियो हो सकता है कि कल शाम तक मिल जाए टॉपअप वीडियो, ओके ठीक है। और ये केयूस चलो वो सर तो सर सीट आज ही सर मिल जाएगा। हाँ सर लिखना थोड़ा है तो सर लिख कर लो, दो। लिख लो। हाँ आपको एक बात बोलना था बोल। सर। सर केवाईयू शीट आपने जितना दिया ना सर, उनमें से जो लास्ट शीट था वो हाँ अपलोड होने के बाद सर वो डिलीट हो, मतलब इट हैज बीन डिलीटेड दिखा रहा है, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है तो मुझे सबमिटेड देख शीट। देख मैंने एक्चुअली वो देखा ही नहीं है कि कितने लोग सबमिट कर रहे हैं क्या। बस मैंने बस तुम लोग के लिए रखा है कि हाँ सबमिट करो, लेटर और मैं देख लूंगा। ठीक है एक बार। सर नहीं मतलब उसमें क्या हुआ है कि तीन जो लास्ट के तीन सम्स है ना सर, वो तीन सम्स रॉन्ग हुए हुआ है सर। मैंने फिर से देखा तब सर, करने के बाद फिर से सबमिट करना है इसीलिए। ठीक है सर, कर देना। आगे चलूं मैं? ठीक हाँ सर। है। तो जैसे अब अगर मैं एफ ऑफ एक्स, मेरे पास 1 + x + x² 1 + x^4 डिवाइडेड बाय x³। एक्स 1 से बड़ा, एक्स 0 से बड़ा। तो अब इसमें अभी तो AMGM नहीं लग रहा है, तो मैथ्स में एक चीज कहलाता है जिसका नाम मैं बोलता हूं डिस्ट्रीब्यूट वाइजली। और मैं फिर से कह रहा हूं ये सब तुम्हें ऑब्जर्व मतलब करते करते तुम्हारे आंख में आना पड़ेगा, अरे ये करने से ये होता है। मतलब अगर तुम एफ ऑफ एक्स का वैल्यू अलग अलग करोगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा। अब अलग अलग कैसे करेंगे, वाइजली डिस्ट्रीब्यूट करना है इसको, एक एक्स दोगे और ये। अब तुम बोलोगे सर ये दिमाग में क्यों आएगा, नहीं ये दिमाग में नहीं आएगा, सीरियसली कह रहा हूं। मगर अगर मैं इसे अलग अलग कर दूं तो ये क्या मिला, 1 / x + 1 + x और 1 / x² + x² ये दिमाग में आएगा। ये चीज तुम्हारे दिमाग में आएगा और ये आना पड़ेगा, मतलब वरना ये नहीं कर पाओगे। अब यहां पे बोलो क्या इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो रहा है, यस सर, क्या इसका मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट हो रहा है? तो यस सर, अब यहां पे तीन वाला है तो तीन वाला लगाऊं, 1 / x + 1 + x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 √(1/x)(1)(x). तो इससे मिला 1 / x + 1 + x, हर समय किससे बड़ा, एक 3 भी होगा यहाँ पे, मल्टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 यहाँ पे। तो अब मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 आएगा। तो तुम बोलोगे सर मगर मल्टीप्लीकेशन में हर समय तुम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन में ये लॉजिक नहीं लगता है कि मिनिमम मिनिमम तो मिनिमम को मल्टीप्लाई कर दो। हाँ लगता है एक ही टाइम में जब पॉइंट ऑफ मिनिमा सेम हो, हाँ तब लगेगा। अब मुझे बोलो ये 3 कब होगा, तब जब ये सब क्वांटिटी सेम होंगे, ये सब क्वांटिटी सेम कब होंगे, तो एक्स इक्वल टू वन लेफ्ट लेंगे, हैंड साइड एक्स 3 तब होगा इक्वल जब टू एक्स 1 होगा, क्या राइट हैंड साइड भी 2 तभी हो रहा है, यस सर, यस सर, मतलब सेम क्रिटिकल पॉइंट है, हाँ तब सही है, ये होना इंपॉर्टेंट है, तब तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इस फैक्ट को याद रखो, तब तुम मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब तुम बोलोगे x + 1/x और x² + 1/x² हर समय 3 × 2 = 6 से बड़ा। तो एफ ऑफ एक्स हर समय 6 से बड़ा। एफ ऑफ इंफिनिटी क्या डायरेक्टली बोलोगे क्या, जरा देखो ना क्या हो रहा है, एफ ऑफ इंफिनिटी मुंह जबानी बोलोगे क्या, इन्फिनिटी + 1/∞ + 1 क्या इन्फिनिटी होगा, ये इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी² + 1/∞² तो ये तो 0 हो जाएगा, तो इन्फिनिटी इन्फिनिटी क्यूब, तो एफ इन्फिनिटी ऑफ इन्फिनिटी इन्फिनिटी तो ये मैक्सिमम है और ये क्या है मिनिमम, तो रेंज कहां से कहां तक आया बोलो, सिक्स इन्फिनिटी, सिक्स से इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो खेला खत्म। ठीक है किसी को लिखना है तो लिख लो।
सर अगर क्रिटिकल पॉइंट सेम नहीं हुआ तो सर डिफरेंशिएशन से आ जाएगा ना सर? सुनाई दे रहा है? यस सर। रुक जा, निकल वो देखो, लिख लिए थे पता नहीं मुझे। हाँ यस सर। ठीक है तो मैं आगे चलता हूँ, दो मिनट रुको। हाँ, और एक सर वो आपने बोला था ना सर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू 3 और राइट हैंड साइड इक्वल टू 2 एट x इक्वल टू 1, तो दोनों सेम है तो उसके बाद तो सर हां बोल, ऑडियो नहीं आया था सर। ओ उसके बाद खत्म ही हो गया था, सॉरी, इसलिए दोनों को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया सर। उसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था मैंने, मतलब मेरा क्या कहना है देखो, मैं तुम्हें कहता हूं। हाँ सपोज ये एक फंक्शन है, 3 में इसका मिनिमम 5 है, और ये एक फंक्शन है, 7 में इसका मिनिमम 6 है। तो अब तुम ये नहीं कह सकते हो कि इसका मिनिमम 5+6 होगा, समझ में आ रहा है कि? क्योंकि ये जब मिनिमम 3 में ले रहा है तो ये 3 में मिनिमम थोड़ी ना ले रहा है, 3 में तो ये एक अलग वैल्यू ले रहा है, ले रहा है नहीं? यस सर। कुछ अलग वैल्यू ले रहा है, सपोज ये 10 ले रहा है, और 7 में जब ये 6 मिनिमम ले रहा है तो ये अलग ले रहा है। मगर अगर ये भी 3 हो जाए तब तुम क्या दोनों को तब क्या बोल सकते हो? अगर ये 3 में 5 मिनिमम ले रहा है और 3 में अगर ये 6 मिनिमम ले रहा है, तब अगर मैं ये एफ ऑफ एक्स है ये जी ऑफ एक्स है, तब मैं अगर एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स का मिनिमम बोलूं तो तुम लोग इसका मिनिमम 5+6 बोल सकते हो, क्योंकि पॉइंट ऑफ मिनिमा सेम है, समझ में आ रहा है? यस सर। और वैसे ही अगर मैं एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बोलूं तो ये 5 × 6 होगा इसका मिनिमम में, क्यों? क्योंकि तब पॉइंट ऑफ मिनिमा सेम है। तो मेरा कहना है कि अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा सेम है तभी तुम मिनिमम वैल्यू को ऐड करके बढ़ना, तो ऐसा लॉजिक लगाने से साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स का मैक्सिमम 1 है, कॉस एक्स का मैक्सिमम 1 है, मगर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो √2 से छोटा होता है, 2 तो कभी नहीं हुआ। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि साइन एक्स जब 1 होता है तो एक्स का वैल्यू π/2 है, मगर कॉस एक्स जब 1 होता है तब एक्स का वैल्यू 0 है, दोनों अलग अलग जगह हो रहा है। तो इसीलिए मैक्स, ठीक है, इसीलिए मेरा कहना है कि एफ प्लस जी ऑफ मिनिमा इज सेम एज एफ ऑफ एक्स का मिनिमा प्लस जी ऑफ एक्स का मिनिमा। ये कब होगा? अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा जो हो वो क्या हो? सेम, इक्वल हो फॉर बोथ एफ, फॉर बोथ एफ एंड जी, और मल्टीप्लीकेशन में भी वही, ये एफ ऑफ मिनिमा इंटू जी ऑफ मिनिमा तब होगा अगर पॉइंट ऑफ मिनिमा इज सेम। मैक्सिमा में भी वही लगेगा फॉर बोथ ऑफ फंक्शन, फॉर बोथ फंक्शन। ठीक है, आया समझ में? आगे चलूं आप? यस सर। यस सर। ठीक है, हाँ बोल सर। मतलब क्रिटिकल पॉइंट इक्वल होना पड़ेगा ना? हाँ, क्रिटिकल पॉइंट इक्वल होना पड़ेगा। हाँ ठीक है, अब मैं आगे चल रहा हूँ। चलो अब मैं आता हूँ मॉड्यूलस में। मॉडुलस मतलब ये चीज हम लोगों ने कर्व स्केचिंग में भी देखा था कि सपोज मैंने मॉड एक्स माइनस 1 प्लस मॉड एक्स प्लस 1 दे दिया, और एक्स मैंने -2 से लेके 10 तक दिया, और मैंने कहा कि मुझे इसका रेंज निकाल के बताओ क्या है।
तो एक तो तरीका है कि तुम इसे ब्रेक करो, दूसरा तरीका है कि तुम जो डिफरेंशिएशन मेथड था तुम वैल्यूज केवल निकालो, कहां कहां वैल्यूज एट एंड पॉइंट निकालो और वैल्यूज एट इसका रूट निकालो, वैल्यूज एट रूट्स, रूट्स का मतलब क्रिटिकल पॉइंट। तो इसका दो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिल रहा है, वन और एक्स का वैल्यू क्या माइनस माइनस। तो वैल्यू निकालना शुरू करो, तब एफ ऑफ वन का वैल्यू क्या होगा इस वाले में टू, एफ ऑफ माइनस वन का वैल्यू क्या होगा टू, एफ ऑफ माइनस टू का वैल्यू क्या होगा माइनस टू माइनस वन थ्री प्लस वन फोर, और एफ ऑफ टेन का वैल्यू क्या होगा टेन माइनस वन प्लस टेन प्लस वन इलेवन ट्वेंटी। तो क्या हुआ ये मैक्सिमा ये मिनिमा, तो हेंस रेंज कहां से कहां तक हुआ टू से लेके ट्वेंटी तक खिला खत्म। जैसे अगर मैं तुम्हें बोलता हूं कि रेंज निकालो किसका, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ टेन एक्स माइनस वन प्लस मॉड ऑफ टेन एक्स प्लस फाइव का, तब लिखने का टाइम दूंगा, मगर मेरा कहना टेन एक्स और रियल नंबर में कोई अंतर नहीं है, समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि टेन एक्स को अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं टी, तो टी कहां से कहां तक लाई करता है, तब इसका मतलब है कि तब मैं टेन एक्स और इसमें मुझे कोई अंतर नहीं है, टी माइनस वन और टी प्लस फाइव, टी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक, तब एफ ऑफ इंफिनिटी क्या होगा मॉड है तो इंफिनिटी देगा, एफ ऑफ माइनस इंफिनिटी भी जब मॉड है तो इंफिनिटी देगा, और रूट्स क्या क्या आ रहे हैं, एफ ऑफ वन दे रहा है सिक्स और एफ ऑफ माइनस फाइव भी दे रहा है सिक्स, तो ये मिनिमम है ये मैक्सिमम है, तो इसका रेंज कहां से कहां तक होगा सिक्स से लेके इंफिनिटी, खेला खत्म, किसी को लिखना है तो लिख लो ये मॉडलस वाला। तो ये मैंने एक तुम्हें एक ट्रिक दिया, ये ट्रिक को याद रखना कि केवल क्रिटिकल पॉइंट में निकाल लो, एंड पॉइंट में निकाल लो, तुम्हें मैक्सिमम और मिनिमम निकल जाएगा। सर ये हमेशा क्लोज ब्रैकेट में रहता है, इसमें कोई देखो मैं ये भी समझा देता हूं, अगर ये ओपन ब्रैकेट में रहता तो 10 के करस्पॉन्डिंग 20, तो 20 ओपन में आ जाता। यस सर, आया समझ में, यहां पे देखना इंफिनिटी ओपन में था तो इंफिनिटी के करस्पॉन्डिंग, ये कोई जरूरी नहीं है कि वो क्लोज में रहे, आया समझ में। यस सर, वो क्लोज में भी रह सकता है और वो ओपन में भी रह सकता है, मगर उसके करस्पॉन्डिंग तुम्हें तब वैल्यूज देखना होगा। हाँ बोलते जा, अगर 10 की जगह अगर साइन या फिर कॉस रहता तो ये काम नहीं होता माइनस से, मैं बता रहा हूँ सर, थोड़ा नीचे कर दीजिए, मैं बता रहा हूँ उसमें आ रहा आगे चलो थोड़ा सा रुकिए, हाँ सर हो गया ठीक है। तो अब किसी ने पूछा था कि सर अगर वो क्या, अगर वो साइन एक्स होता या कॉस एक्स होता, तो अगर वो साइन एक्स होता, साइन एक्स अगर वो ऐसा होता टू साइन एक्स माइनस वन प्लस साइन एक्स प्लस फाइव, तब भी सब्स्टिट्यूशन चलता, क्यों ट्वाइस टी माइनस वन और ये टी प्लस फाइव हो जाता, बस अब टी कहां से कहां तक लाई करता माइनस वन। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या आता, टी इज इक्वल टू हाफ और टी इज इक्वल टू क्या
मगर माइनस फाइव तब पॉसिबल नहीं होता, ठीक है, माइनस फाइव पॉसिबल नहीं होता, क्यों? क्योंकि वो डोमेन के बाहर आउटसाइड है। तब अब तुम वैल्यू केवल हाफ में निकालते, माइनस वन में निकालते, वन में आगे ये लिखने का जरूरत नहीं है बस। हाँ, मगर तुम बोलो कि सर अगर ये कॉस होता तो मेरे ख्याल में ये तभी ठीक है, कॉस एक्स प्लस फाइव में तो तुम डायरेक्टली मॉड हटा सकते थे, मगर ये अगर थ्री कॉस एक्स माइनस सिक्स सिक्स होता, इतना आसान नहीं है, मुझे तो लग रहा है कि ऑलमोस्ट मतलब आसान है ही नहीं, मतलब ब्रेक करके मैं निकाल लूंगा, हाँ कुछ ना कुछ निकाल लूंगा, मगर ये अच्छा सम नहीं बनेगा। तो दोनों को सेम होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लगाना भी इतना आसान नहीं है। अब मैं आगे चल रहा हूं, ठीक है, चलो सुनाई दे रहा है? यस सर, यस सर, ठीक है। फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू x बाय वन प्लस मॉड x, इसका रेंज निकालना है। मतलब अब मैं वो टाइप बता रहा हूं जहां पे तुम्हें ब्रेक द मॉड करना ही होगा, ब्रेक द मॉड। अब यहां पे मॉड को अगर ब्रेक नहीं करोगे तो ये नहीं निकाल पाओगे। अब मॉड को ब्रेक करने के लिए क्या करना होगा, तब तो तुम्हें दो केस लेना होगा, क्योंकि मॉड x का क्या था, माइनस x, x अगर नेगेटिव है, x अगर x पॉजिटिव है। तो पहला केस लेता हूं जब x नेगेटिव है, तब y का वैल्यू क्या मिला, x बाय वन प्लस मॉड x, मतलब x बाय वन माइनस x। तो इसका रेंज निकालने का तरीका क्या था, याद है, एक्सप्रेस x क्योंकि इस घर में घुसने से पहले तुमने कुछ सोचा हुआ, ये हमने बोर्ड लेयर में भी ये सम किया था, x लेस देन जीरो है, तो इस घर में घुसने से पहले तुमने यहाँ पे एक चीज सोचा हुआ, इसलिए इसे किस क्या होना पड़ेगा, इसे लेस देन जीरो होगा, होना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि एक्स लेस देन जीरो है। अगर एक्स लेस देन जीरो है तो वाई बाय वन प्लस वाई भी लेस देन जीरो है, तो विविकर बनाओ, इसके दो रूट्स होंगे, एक माइनस वन और एक जीरो। लीडिंग कोएफिशिएंट क्या है, प्लस माइनस प्लस, तो वाई कहां से कहां तक लाई कर रहा है, माइनस वन से जीरो, ये तब हुआ अगर एक्स लेस देन जीरो है। लिख लोगे क्या ये, क्योंकि मैं ये ट्रिक को समझो, हाँ, क्योंकि सेकंड वाले मैं अलग ट्रिक लगाऊंगा, इससे भी निकाल सकता हूँ, x greater than equal to 0 में मैं कुछ अलग काम करने वाला हूँ। अब किसी को लिखना है तो लिख लो ये वाला, चलो आगे। यस सर, यस सर, चलो चलो अब इसमें अगर x greater than equal to 0 होगा तो केस टू, तब y का वैल्यू x by 1 plus mod x है, तब y को तुम लिखोगे x by 1 plus x। इसमें एक अच्छा मुझे नहीं लग रहा, ऊपर और नीचे दोनों जगह वेरिएबल है, क्या मैं ऊपर कुछ ऐसा कर सकता हूं, क्या ऊपर को मैं x plus 1 minus 1 by x plus 1 लिख सकता हूं, क्या फायदा हुआ ये लिख के, अगर अलग अलग, मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये सब चीज दिमाग में रहना पड़ेगा तुम्हारा। इससे ये फायदा हुआ कि वेरिएबल अब केवल एक जगह है डिनोमिनेटर में, और अब तुम ये इनइक्वालिटी यूज करो, तुम्हें मालूम है कि नंबर टू से तुम्हें मालूम है कि तुम्हारा एक्स का जो रेंज है वो जीरो से लेके वन तक है, इन्फिनिटी तक है, तो एक्स प्लस वन
वन से लेके इन्फिनिटी तक लाई करेगा। जब रेसिप्रोकल करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो चेंज हो जाएगा, तो चेंज 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 होगा, मतलब चेंज मतलब तो या तो मैं जीरो यहाँ पे लेके आऊ, नहीं तो इसको, क्योंकि उसने देखा था कि एक बंदे ने मुझसे पूछा सर आप ऐसा क्यों नहीं लिखते, ऐसा भी लिख सकते हो। फिर जब माइनस वन बाय एक्स प्लस वन कहोगे तो इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज हो जाएगा। माइनस जब करोगे सर वो जीरो होना चाहिए, वो जीरो 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 वो जीरो है, जीरो जीरो वन बाय इनफिनिटी जीरो है, थैंक्स। जब तुम माइनस करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन फिर से चेंज हो जाएगा, और आगे अगर एक बार वन लेके आ जाओगे तो ये वन और ये जीरो, तो वाई जीरो से लेके वन, अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो तो ये नंबर टू, ये थ्री ले लेता हूं, और जब एक्स जीरो से छोटा तो वाई जीरो से लेके वन तक आया था, ये फोर ले लेता हूं। तो अब ये दोनों का और होगा या एंड होगा, यहाँ पे क्या लिखूंगा, और लिखूंगा या एंड लिखूंगा, और क्योंकि ये दोनों एक साथ कैसे हो सकता है, दोनों में से तो कोई एक ही होगा ना रे, तो इसलिए और। तो अगर यहाँ पे और है तो यहाँ पे भी और है, और का मतलब क्या हुआ, यूनियन। तो इसलिए जो रेंज होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, जीरो से जीरो से, मैंने गलती किया रे, ये माइनस वन से जीरो था, ये माइनस वन से जीरो था, माइनस वन से जीरो, तो अगर यूनियन करोगे तो कहाँ से कहाँ तक आएगा, तब माइनस वन से जीरो और जीरो से वन, तो माइनस वन से वन, मगर ये ओपन ब्रैकेट में आएगा, तो खेला खत्म, किसी को लिखना है तो ऐसे भी कर सकते हो। मुझे ये वाला ज्यादा आसान लगता है ना, यहाँ पे ये ज्यादा अच्छा है, हाँ मैं पहले ही कह रहा हूँ, मगर तुम लोग, मैं चाहता हूँ कि अलग अलग ट्रिक सीखो, बोलोगे तो मैं ऊपर करते हुए लेके निकल जाऊंगा, लिखना है तो लिखो, एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे कर दीजिए, आगे चलो। यस सर, यस सर, चलो। सब्स्टिट्यूशन और रेस्ट्रिक्शन, हाँ मतलब रेस्ट्रिक्शन में सब्स्टिट्यूशन लाऊंगा। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं फाइंड रेंज ऑफ y इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तुम बोलोगे सर बेवकूफ समझते हो, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स साइन एक्स हो जाएगा और वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, सही या गलत? सर मॉड होगा, मॉड होगा। जब भी रूट से बाहर निकालोगे मॉड दोगे, अब तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, तुम्हें अलग अलग इंटरवल में से निकालना होगा मॉड को ब्रेक करने के लिए। यहां पे इस माइनस होने से तो मुझे सभी इंटरवल में देखना होता, मगर प्लस होने के कारण क्या होगा कि केवल एक इंटरवल में देखने से ही हो जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि आज नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ोगे कि इसका पीरियोडिसिटी पाई बाय टू होता है, इसका पीरियोडिसिटी पाई बाय टू मतलब पाई बाय टू के बाद ये अपना वैल्यू रिपीट करता है, मगर मैं उसको इस वाले को इस टाइप से नहीं बता के इसे थोड़ा अलग तरीके से बताना चाह रहा हूँ कि मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन लेना चाह रहा हूँ। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन लेना चाहूँ या सब्स्टिट्यूशन नहीं लेके मैं यही दिखाना चाहता हूँ, यही मान के चलो ये ज्यादा बेटर है कि पाई बाय टू के बाद, क्योंकि वो सब्स्टिट्यूशन में एक प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे जब मैं माइनस दे दूंगा तो तुम फंस जाओगे, हाँ तब वो वाला काम नहीं लगेगा, इसलिए मैं बता रहा हूं। तो
पीरियोडिसिटी यूज करूंगा यहां पे, या ये सब मैं नेक्स्ट क्लास के लिए रखता हूं, नहीं करवाई देता हूं। एफ ऑफ पाई बाय टू प्लस एक्स क्या होगा देखते हैं जरा। तुम बोलोगे सर ये मेरे दिमाग में नहीं आएगा, नेक्स्ट क्लास में आएगा, घबराओ मत। हाँ जब मैंने लिखा ही दिया तो मैं करवा देता हूं। कॉस पाई बाय टू प्लस एक्स, अच्छा साइन एक्स कॉस एक्स कितने डिग्री के, साइन एक्स और कॉस एक्स कितने के बाद रिपीट करता है, कोई मुझे बोलेगा? 2 पाई। ये क्यों करूंगा, हाँ अननेसेसरी नेक्स्ट, हाँ 2 पाई के बाद। मॉड साइन एक्स कितने के बाद रिपीट करेगा, ग्राफ बना के देख सकते हो? पाई। चलो ठीक है, तब तो इतना जानते हो तो फिर यही वही वाला यूज करता हूँ। मॉड कॉस एक्स भी कितने के बाद रिपीट करेगा? पाई। तो इसका मतलब है कि मैं जानता हूँ कि ये फंक्शन जो है, ये फंक्शन अपना वैल्यू रिपीट कर रहा है पाई के बाद, हालांकि ये पाई बाय टू होता है रे, वो तुम नेक्स्ट क्लास में देखोगे। तो इसीलिए मैं क्या करूंगा, अब मैं केवल जीरो से पाई में कंसंट्रेट करूंगा, मेरा जो कंसंट्रेशन होगा वो केवल जीरो से पाई में होगा। तो मेरा पहला इंटरवल होगा, अब तुम डायरेक्टली नहीं जीरो से पाई कर सकते हो, क्योंकि जीरो से पाई में प्रॉब्लम कहां है देखो, जीरो से पाई में ये कॉस एक्स एक बार पॉजिटिव होगा और एक बार नेगेटिव होगा, तो तुम डायरेक्ट नहीं बोल सकते हो। पहला इंटरवल लोगे एक्स अगर जीरो से पाई बाय टू के बीच में, तब बोलो क्या दोनों पॉजिटिव है, इसलिए मैं इसे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख सकता हूं, हाँ या ना? यस सर, यस सर। और एक्स जीरो से लेके पाई बाय टू तक है, ठीक है। जब भी तुम ऐसा क्लोज इंटरवल देखते हो तो डोमेन निकालने का एक ही तरीका था जिसका नाम था डिफ्रेंसिएशन। तो जब तुम एफ डैश एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, मतलब कॉस एक्स इक्वल टू साइन एक्स। ये कब होता है, जीरो से पाई बाय टू में तो एक ही टाइम में होता है ना, जब एक्स का वैल्यू पाई बाय फोर है। तो अब इसका वैल्यू कहां कहां निकालोगे तब एफ ऑफ एक्स का, तो जीरो पाई बाय फोर और एफ ऑफ जीरो में निकालोगे, तो एफ ऑफ जीरो में साइन जीरो वन होगा, एफ ऑफ पाई बाय टू में वन होगा, और एफ ऑफ पाई बाय फोर में वन बाय रूट टू प्लस वन बाय रूट टू, तो ये रूट टू हो जाएगा। तो फर्स्ट इंटरवल में रेंज कहां से कहां तक आया, रेंज इन क्वाड्रेंट वन, क्यू वन मतलब रेंज इन क्वाड्रेंट वन, कहां से कहां तक, वन से लेके रूट टू, रूट टू तक। अब वैसे ही मैं कहां से कहां तक निकालूंगा, पाई बाय टू से पाई, मैं सेकंड वाले में नीचे जा रहा हूं, ठीक है, मैं सेकंड वाले में जा रहा हूं। सेकेंड वाले में जब मैं बोलूंगा कि मैं पाई बाय टू से लेके पाई तक हूं, तब क्या होगा, तब एफ ऑफ एक्स मॉड साइन एक्स एक पॉजिटिव नंबर का मॉड है, और मॉड कॉस एक्स एक नेगेटिव नंबर का मॉड है। तो जब मॉड हटेगा तो कैसा दिखेगा एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स साइन एक्स। तो एफ डैश एक्स कैसा दिखेगा, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसा दिखेगा, एफ डैश एक्स इक्वल टू जीरो, cos x equal to minus sin x, मतलब tan x equal to minus 1। कहां से कहां तक, pi by 2 से pi में ये कब होता है, 3 pi by 4। तब आप f of x का वैल्यू बोलोगे, f of pi by 2 में जब बोलोगे तो 1, f of pi में जब बोलोगे तो ध्यान से देखो, हाँ ध्यान से देखो, sin 0 cos x, मगर देखो माइनस भी है, तो 0 माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 1 होता है, और 3 pi/4 में वैसे ही तुम निकाल के देखोगे रूट टू होगा। तो रेंज कहां से कहां तक है बोलो, 1 से √2। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा नेक्स्ट क्लास में तुम पढ़ोगे, क्या सेम रेंज नहीं आया, हाँ या ना? यस सर, यही मैं कह रहा हूँ, पीरियडिसिटी। एक्चुअली मैं मॉड साइन एक्स प्लस मॉड कॉस एक्स पाई नहीं, पाई बाय टू के बाद रिपीट करता है, मगर ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो पीरियडिसिटी अगर यूज करते तो तुम यहीं पे आंसर निकाल लेते, मगर अभी तो नहीं, क्योंकि पीरियडिसिटी नहीं बताया। तो दोनों को मिला के रेंज तब कहां से कहां तक आया, 1 से √2। तो अब कभी-कभी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में भी ब्रेक करना पड़ सकता है, वैसा कुछ दिया रहेगा, दिया रह सकता है, हाँ। तो इसलिए अब यहाँ पे लिखो, सब्स्टिट्यूशन एंड रेस्ट्रिक्शन तो नहीं हुआ तब ये, क्योंकि मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया यहाँ पे, ये क्वाड्रेंट वाइज ब्रेकआउट में आ जाएगा, हाँ क्वाड्रेंट वाइज ब्रेकआउट में आएगा, तुमने कोऑर्डिनेट वाइज ब्रेकआउट करना पड़ता है और कुछ तरीका नहीं है। किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। बोलते जाओगे ऊपर, लंबा समय मैं 1.5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मुझे बोलते जाओगे मैं ऊपर लेते हुए खींचते हुए जाऊंगा। आज तुम लोगों को केवाईयू सीट्स मिल जाएगा भी एक, हाँ सर। रेंज 3 का ना,
रेंज थ्री का नहीं, देखो रेंज वाले का मैं आज आज जो करवा रहा हूँ उसमें से थोड़ा रेंज का भी समझे दूंगा, ठीक है? ओके सर, आज जो करवा रहा हूँ ना, आज जो करवा रहा हूँ ठीक है, मेनली मैं उसमें कंसंट्रेट कर रहा हूँ। रेंज वाले में बहुत खेली मेली हुआ है, मतलब वो कुछ बंदे ने वैसा किया, कुछ बंदे ने इस टाइप से किया, आज से चीजें सीजिल हुआ है थोड़ा, तो मैं ये वाला भेज दे रहा हूँ। सर बोलते जा, सुन रहा हूँ। सर अपने वो पहला चैप्टर में जो बाइनरी ऑपरेटर्स है कोर्स में नहीं है, कोर्स में नहीं, कोर्स में नहीं है। अच्छा सर, ठीक है। कोर्स में इस साल भी तुम लोग का बहुत कुछ हटेगा, सीबीएसई के कोर्स में तो बहुत कुछ हटेगा। सीबीएसई के कोर्स में बहुत कुछ हटने वाला है, मतलब सीबीएसई सेवा सब में ही। अरे क्या होने वाला है, कहना ही मुश्किल है, अजीब सब नौटंकी जैसा ही लगता है यार, तो जिंदगी ही नौटंकी लगने लगे। उस चीज को बचा कर करो, मेहनत करो यार, वरना एजुकेशन सुसाइड होता है। तुम लोग का लक बहुत बुरा है, क्योंकि याद रखो पूरा जिंदगी बाकी है तुम लोगों के लिए, तो हम लोगों का तो जिंदगी निकल गया, ठीक है, और कोई चिंता ही नहीं है। सर नीचे लेंगे थोड़ा। हाँ, तुम लोग को भी पूरा जिंदगी बाकी है, ठीक है। 40-45 प्लस वालों ने तो ठीक है, तो हम लोगों ने तो करूर भी लिया है कि इतना भी कुछ होने से भी पंगा नहीं है, बैठ के भी खा पाएंगे। तुम लोग का तो पूरा जिंदगी बाकी है अभी सारा, इसलिए रिलैक्स मत करो, खूब मेहनत करो। चलो आगे, बोल देना, टाइम हो गया। चलो आगे, ठीक है, चलो। चलो आगे चलता हूँ। चलो अब मैं आता हूं थोड़ा सा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाले में। इसमें दो टाइप के सम्स होते हैं। एक टाइप होता है जिसमें बॉक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर है तो तब इसमें कोई चिंता ही नहीं करोगे, इसमें चिंता करना मीनिंगलेस है। सर बोलोगे क्यों? क्योंकि ऐसे में केवल तुम रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालो, एक बार रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स अगर निकाल लेते हो तो रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स में बॉक्स में जो जो इंटीग्रल वैल्यू वो लेता है वो आंसर होगा तुम्हारा। मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि तुम मुझे बताओ कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ y इज इक्वल टू बॉक्स साइन x, तो क्यों बॉक्स के बारे में क्यों चिंता करोगे, केवल साइन x के बारे में चिंता करोगे कि साइन x कहां से कहां तक लाई करता है? -1 से 1। तो -1 से 1 तक बॉक्स क्या क्या वैल्यू लेगा? -1 0 -1 0, क्योंकि यहां पे बॉक्स का वैल्यू -1 हो जाएगा, यहां पे 0 हो जाएगा, और यहां पे बॉक्स का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो बॉक्स साइन x केवल क्या क्या हो जाएगा? -1 0 1। तो इसका जो रेंज है वो क्या हुआ? रेंज हो गया -1 0 1। आया समझ में ना? मतलब अगर मैं तुमसे कहता हूं कि मुझे रेंज निकाल के बोलो किसका, बॉक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का, तो इसका क्यों चिंता करोगे? क्योंकि तुम जानते हो कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स कहां से कहां तक लाई करता है, -√2 से लेकर √2 तक। ये 1.4 था और ये -1.4 था, तो बॉक्स कहां से कहां तक लाई करेगा? -1 0 नहीं, -1 नहीं होगा, ध्यान से देखो, -1.4 का बॉक्स क्या होगा?
माइनस टू, ये माइनस टू आया समझ में, और यहाँ का तो बॉक्स और 1.4 का बॉक्स लास्ट वाला ही देखो ना, वन मतलब माइनस टू से लेके वन के बीच में क्या क्या वैल्यू लेगा, माइनस टू माइनस वन जीरो और वन जीरो वन, तो ये इसका रेंज होगा, आया समझ में। तो अगर बॉक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स है तब तो तुम बोलोगे सर बेवकूफ बना रहा है, मतलब अब ये कैसा भी हो सकता है रे, सम ऐसा भी आ सकता है, मैं फिर से कह रहा हूँ y इक्वल टू बॉक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं क्या? तो बॉक्स का चिंता नहीं करोगे, किसका चिंता करोगे? अब इसका रेंज निकालना मैंने सिखा दिया, लास्ट क्लास में भी रेंज निकालना सिखाया है, तो बॉक्स बॉक्स में डाल देना आंसर आ जाएगा, ठीक है? तो अब उसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लिखना है तो लिख लो, ये वाला थोड़ा छोटा हो जाता है, मुझे बोलते जाओगे मैं एक मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मेहनत करो यार जिंदगी में, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, हम लोग जानते हैं ठीक है, जिंदगी का स्ट्रगल बहुत लंबा स्ट्रगल होता है, ठीक है, जिंदगी का स्ट्रगल बहुत लंबा स्ट्रगल होता है, मतलब तुम जिस फेज में हो इस फेज में तुम लोग को ये समझ में नहीं आता है, जिंदगी 20 साल में खत्म नहीं होती है, जिंदगी 30 साल में शुरू होती है और जाके बाद में फिर खत्म होती है, ठीक है? तो इसीलिए चीजों को प्लीज आसान मत लो, प्लीज आसान मत लो, नीचे का श्योर। आगे चलो सर, सर ओके सर, ठीक है। हो गए चलो लास्ट तुम्हें टॉप नहीं, मैंने कहा कि वाई अगर ये सपोज बॉक्स ऑफ ये रेंज दिया तो इसका रेंज कैसे निकालोगे, बोलो क्या करोगे, क्या बॉक्स के बारे में चिंता करोगे? नहीं, केवल किसका रेंज निकालोगे, बस इसी का रेंज, इसका रेंज तो हम लोग निकालना जानते हैं, वाई को जैसे भी निकालो, डिफ्रेंसिएशन करो, फलाना करो फलाना करो, बॉक्स ले लेना, ठीक है? मगर अगर वाई इज इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स प्लस मॉड जी ऑफ एक्स है, नहीं ये थोड़ा टिपिकल हो जाता है, तुम्हें कुछ टॉपअप वीडियो में भी मिलेगा, मैं फिर से कह रहा हूँ यहाँ पे, मगर एक सम मैं भी करा देता हूँ, यहाँ पे जो सम कराऊंगा बहुत ज्यादा भी ये टिपिकल नहीं होगा, तुम बोलोगे सर क्यों, क्योंकि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था इसे कैसे सॉल्व किया जाता है, मुझे याद है। क्या करोगे, एफ ऑफ एक्स बॉक्स साइन एक्स प्लस बॉक्स कॉस एक्स है जीरो से लेके पाई तक, तो अभी कुछ देर पहले बोला था क्या करते हैं ऐसे सम के लिए, अरे जो मॉड के लिए बोला था वही बॉक्स के लिए बनने वाला है, इसमें तो और कोई तरीका ही नहीं है, तुम्हें क्वाड्रेंट वाइज ब्रेक करना होगा, मगर यहाँ पे क्वाड्रेंट वाइज जब ब्रेक करोगे तो इंटीग्रल पॉइंट्स में करोगे, समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो ब्रांचिंग पॉइंट होता है बॉक्स का वो इंटीग्रल पॉइंट्स होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं, तो इसीलिए एक्स इजिकल टू जीरो एक इंटीग्रल पॉइंट होता है, एक्स इजिकल टू जीरो जब बोलते हो मैं ऐसा पसंद नहीं करता हूं, मैं ऐसा डायग्राम बनाना पसंद करता हूं, ठीक है? मुझे पसंद है ये डायग्राम बनाना, जीरो से पाए तक है तो फिर आगे ये, अब ये लाइन मेरे पास था एक्स इक्वल टू जीरो, एक्स इक्वल टू जीरो में साइन जीरो का बॉक्स क्या होगा, मुझे मालूम है, बस तुमसे पूछ रहा हूं मैं, थोड़ा हल्ला हो सकता है, जीरो, कॉस जीरो का बॉक्स वन, तो वाई का वैल्यू दोनों को एड कर रहा हूँ ना, बॉक्स साइन एक्स प्लस बॉक्स कॉस एक्स, हम तो लिखा ही हो, ओ सर लिखने का टाइम ही नहीं दिया, ये क्या ऐड कर रहे हो, क्या होगा वन वन। अब जब मैं जीरो से पाई बाय टू के बीच में जा रहा हूं तब साइन एक्स क्या कहां से कहां तक जा रहा है, तुम बोलो, ध्यान से सुनो, तुम बोलोगे सर मॉडुलस में तो आपने इक्वल टू ले लिया था, यहां क्यों नहीं लोगे, यहां लेने से प्रॉब्लम है, यहां जब तुम इक्वल टू लोगे तो कॉस एक्स देखो जीरो से लेके, कॉस एक्स को देखो जीरो से लेके वन हो जाएगा तब, अब देखो ये दो इंटीग्रल वैल्यू ले रहा है, एक बार जीरो ले रहा है और एक बार क्या ले रहा है, वन वन का बॉक्स वन और जीरो का बॉक्स जीरो, तो इसीलिए यहां पे मैंने इक्वल टू नहीं लिया है, हाँ मगर मॉड में मुझे वो प्रॉब्लम नहीं था,
तो साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, जीरो से लेके वन तक, तो बॉक्स ऑफ साइन एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। कॉस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, जीरो से वन तक, तो बॉक्स ऑफ कॉस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो। तो वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बॉक्स साइन एक्स प्लस कितना, जीरो, बॉक्स कॉस एक्स, तो वाई का वैल्यू जीरो हो गया। तो वैसे ही अब मैं डायरेक्टली बोलोगे यहाँ पे क्या होगा, साइन पाई बाय टू का वैल्यू, ये तो जानते हो ना रे, साइन पाई बाय टू का वैल्यू वन, कॉस पाई बाय टू जीरो, तो क्या मिला, वन। तो देखो क्या क्या मिला, मैं लिखते जा रहा हूँ, वन मिला, जीरो मिला, वन मिला। अब इस वाले में क्या होगा, पाई बाय टू से लेके अगर एक्स पाई तक है तो तब कॉस एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस वन से जीरो तक, तो बॉक्स कॉस एक्स कैसा दिखेगा, माइनस वन। मगर बॉक्स साइन एक्स कैसा दिखेगा, क्योंकि साइन एक्स तो पॉजिटिव होता है यहाँ पे, जीरो, जीरो। तो वाई कैसा दिखेगा, तब ऐड करोगे तो साइन एक्स, साइन एक्स जीरो से लेके वन तक लाई करेगा, नहीं माइनस वन, और यहाँ पे भी वाई माइनस वन है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो हेंस क्या क्या रेंज निकला बोलोगे, वाई क्या क्या वैल्यू ले सकते हैं, वाई इज इक्वल टू माइनस वन जीरो वन। और तुम बोलोगे सर यही तो होता, इतना क्यों करते, मैं डायरेक्टली मेरे दिमाग में यही आंसर आया था, गलत सोच रहे हो, यहाँ पे देखो आंसर माइनस टू होता, समझ में आ रहा है क्यों, यस सर, जरूरत नहीं है क्योंकि मैं जीरो से पाई में हूँ, क्योंकि यहाँ पे साइन भी नेगेटिव है कॉस भी नेगेटिव है, तो इसलिए साइन एक्स भी माइनस वन आता कॉस एक्स भी माइनस वन आता, तब आंसर यहाँ पे माइनस टू होता, मगर मैं यहाँ पे हूँ नहीं, मैं केवल जीरो से पाई तक हूँ, तो इसीलिए। अब किसी को लिखना है तो लिख लो, ये रहा। सर उसमें तो इक्वल, हाँ बोल, तो उसमें इक्वल टू नहीं हो, कहाँ पे बोल, जीरो और पाई बाय टू के बीच में एक्स, ओ नहीं वो तो सॉरी मैंने हटा दी, वो मैं कुछ समझाने के लिए रखा था, सॉरी थैंक्स, इसमें नहीं, वही तो उस पे रख दिया था। आगे चलूं, सॉरी थोड़ा सा रुकिए, हो जाने से बोल देना रे, चलो आगे चल रहा, चलो तो ये तो हो गया, आगे चल रहा। इक्वल और आइडेंटिकल फंक्शन, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को अगर मैं रूट ओवर ऑफ एक्स स्क्वायर बोलूं और जी ऑफ एक्स को एक्स बोलूं, क्या बोलते हो, दोनों दोनों फंक्शन सेम है या अलग है, अलग है, अलग है, क्यों, क्योंकि एफ ऑफ माइनस टू का वैल्यू माइनस टू का होल स्क्वायर, तो रूट ओवर फोर, एफ ऑफ माइनस टू का वैल्यू टू है, मगर जी ऑफ माइनस टू का वैल्यू क्या है, माइनस टू, दोनों सेम नहीं है। मगर वही अगर मैं एफ ऑफ एक्स को रूट ओवर एक्स स्क्वायर बोलूं और जी ऑफ एक्स को मैं मॉड एक्स बोलूं, तब सेम है, तब ये सेम है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाहर निकल के मॉड, और तब तुम बोलोगे ये आइडेंटिकल है, क्योंकि हर एक वैल्यू में ये सेम होता है। तो हम कब कहेंगे दो फंक्शन आइडेंटिकल है, तो टू फंक्शन एफ एंड जी आर
सेट टू बी आइडेंटिकल या इक्वल जो भी बोलो इफ नंबर वन डोमेन ऑफ जी इज सेम डोमेन ऑफ एफ मस्ट बी सेम एज डोमेन ऑफ जी होना पड़ेगा दोनों का डोमेन सेम होना पड़ेगा वेरी गुड और दोनों का रेंज सेम होना पड़ेगा रेंज ऑफ जी वेरी गुड और एफ ऑफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इनसाइड डोमेन ऑफ जी इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ एफ सेम ही होगा रे मैंने वो पहले ही कह दिया है कि दोनों का डोमेन सेम है हा? तो इस वाले में क्या हो रहा था देखो जब तुम एक्स स्क्वायर ले रहे हो तो इसका भी डोमेन आ रहा है इसका भी डोमेन आ रहा है मगर लास्ट वाला चीज नहीं हो रहा था क्योंकि यहाँ पे एफ ऑफ माइनस टू का वैल्यू जब तुम निकाल रहे थे तो ये टू निकल रहा था मगर जब जी ऑफ माइनस टू तुम्हें माइनस टू मिल रहा था तो और एक सम पूछूं जरा क्या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स क्या ये इक्वल होगा नो सर क्यों नहीं होगा क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स भी क्या होता है अरे टेंट का फॉर्मूला वन 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 ये भी क्या होता है वन वन क्या ये इक्वल होगा हाँ नो क्यों नहीं होगा बोलो सर रेंज सर डोमेन से नहीं कहाँ पे प्रॉब्लम यहाँ है क्या प्रॉब्लम है जी ऑफ जब तुम पाई बाय टू करते हो तो तुम जानते हो कि टेन नाइनटी डिग्री जो होगा वो क्या होगा नॉट डिफाइन आया समझ में तो दे हैव नॉट क्या यहाँ पे रेंज सेम है मगर डोमेन सेम नहीं है तो दे आर नॉट आइडेंटिकल तो आया समझ में तो सब कुछ सेम होना पड़ेगा ठीक है किसी को लिखना है तो लिख लो हेडिंग दोगे आइडेंटिकल फंक्शन लिखना है तो लिख लो टाइम देता हूं एक मिनट का तो थोड़ा सा नीचे लेके जाएंगे चलूं आगे चलो रुकिए बोल देना हो गया सर ठीक है चलो तो आगे चलता हूँ नेक्स्ट टॉपिक ध्यान से देखोगे हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन क्योंकि क्या हुआ कि डोमेन रेंज मैं बीच में बीमार पड़ गया सब कुछ मिला के मगर अब क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन एक नया टाइप का चीज है तो तुम्हें एक नया मोटिवेशन मिल सकता है तो सबको कह रहा हूँ ठीक है थोड़ा अभी तक फिर कभी मतलब ऑनलाइन क्लास कभी रिकॉर्डिंग क्लास मगर अब चीजें थोड़ा सेटल हुआ है तो ध्यान से देखो हाँ क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे इसमें तुम पढ़ोगे वन वन फंक्शन जो तुमने बोर्ड लेवल में पढ़ा हुआ है उसके बाद तुम ऑन टू देखोगे उसके बाद तुम इवन और देखोगे उसके बाद तुम पीरियोडिक देखोगे और यहां से मैं पूरा चीज शुरू कर रहा हूं मतलब
तुम्हें टॉप अप वीडियो देखना पड़ेगा अगर तुम कुछ टिपिकल सम्स करना पसंद करते हो तो, ठीक है, क्योंकि कोर्स को खत्म करने में वो मेरे लिए सहायक होगा। तो मैं वन वन फंक्शन का कॉन्सेप्ट पूरा यहाँ पे दे दूंगा, मगर हो सकता है कि कुछ टिपिकल प्रॉब्लम्स मैं टॉप अप वीडियो में दूंगा। तो वन वन फंक्शन से ये लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है, ऊपर लिख सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ द फंक्शन लिख लो कॉपी में अगर लिख रहे हो तो, वो तो टॉपिक का नाम ही आज का क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो सबसे पहले हम लोग जो देखेंगे उसका नाम है वन वन फंक्शन। वन वन फंक्शन का और एक नाम था, इसे कुछ कहते थे मुझे याद है, इन जेक्टिव मैपिंग। वन वन फंक्शन, तो इसके तीन मेथड हैं। एक मेथड एनालिटिकल मेथड था, एनालिटिकल मेथड जो हम लोगों ने बोर्ड लेवल में किया था कि एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू, ये ऑलरेडी हम लोगों ने बोर्ड लेवल में कर लिया है। क्या था कंडीशन बोलोगे? Implies x1 is equal to x2. अगर ये होता है तो फंक्शन क्या होगा? वन वन, और अगर एक से ज्यादा रूट साथ में है तो वो मेन्यू वन हो जाएगा। एनालिटिकल मेथड के बाद और एक मेथड था जिसे हम लोग कहते थे ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड ये था कि हम लोग y is equal to x square का अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं और मैं अगर एक लाइन खींच दूं हॉरिजॉन्टल लाइन, तो मैं देख रहा हूं कि x के दो अलग अलग वैल्यू के लिए y का सेम वैल्यू आ रहा है नहीं? Yes. तुम यहां पे देख रहे हो कि f of x1 equal to f of x2 implies x1 is not equal to x2. ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है कट्स द ग्राफ कितने पॉइंट में, एट टू पॉइंट्स। तो ग्राफिकल मेथड था कि अगर y is equal to f of x is 1, 1, if any horizontal line cuts the graph at most at कितना पॉइंट? 1 point. At most at 1 point. जैसे अगर मैं एक ऐसा एक ग्राफ बनाता हूं तो ये वन वन है, क्यों? जब भी तुम कोई हॉरिजॉन्टल लाइन खींचोगे तो उसे कितने बार कट कर रहा है? एक बार, तो ये एक वन वन होगा। यहां तक लिख लोगे क्या एक बार? क्योंकि और एक मेथड है डिफ्रेंसिएशन मेथड जो तुमने नहीं सीखा है, तो मैं ये दोनों में इंटरेस्टेड नहीं हूं ज्यादा। ग्राफिकल में तो इंटरेस्टेड नहीं हूं क्योंकि ग्राफ बनाओगे और उसके बाद चेकआउट करोगे। ग्राफ बनाना जहां तक जानते हो वहीं तक लिमिट, क्योंकि मैक्सिमम ग्राफ में लिमिट उमिट लगता ही है, तो हमने लिमिट अभी तक सीखा ही नहीं है। और दूसरा एनालिटिकल मेथड पैराबोला कभी भी वन वन नहीं होगा। चलो 45 सेकंड का एक टाइम देता हूँ। सर थोड़ा सा ऊपर वाला दिखा देंगे? हाँ ये ले। सुमित सर प्रेजेंट अटेंडेंस। हाँ आहन, शेखर दास, कौशिक, यस सर, संस्कृति प्रेजेंट सर, वेदांगा, यस सर, निशित प्रेजेंट सर, बोरिस्था, ऋषिकेश प्रेजेंट सर, आयन प्रेजेंट सर, आगे चलता हूँ, लिख आगे चलो। चलो तो मैं कृषानु तुरिन प्रेजेंट सर, आहन मेलना प्रेजेंट सर, भैरवी सर प्रेजेंट, रूपम प्रेजेंट सर, अनुभव प्रेजेंट, अनुभव बोरा
प्रेजेंट सर। बर्निल को, बर्निल को भाई प्रेजेंट सर। अभिषेक, रुजुल, जिष्णु प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, रुजुल, रुजुल प्रेजेंट, जिष्णु प्रेजेंट, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर, दोनों। जय प्रकाश प्रेजेंट सर। मूर्छना प्रेजेंट सर। चलो आगे चल रहा हूँ। अब देखो ठीक है, तो जैसे ये वाले में तो कराने का जरूरत नहीं है हम लोग, तुम्हें अगर याद है तो मैंने कहा था कि ऐसा सम जब भी रहेगा हम लोग एफ ऑफ ऐसे वाले में नॉर्मली हम लोग इसमें एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके दिखाते हैं। दिस वन इज ऑलवेज क्या, ऑलवेज वन वन, ठीक है। तो एक तो ये टाइप है, हाँ एक इसी में एक ट्रिक टाइप का आता है कि जरा बुद्धि उद्धि लगा के सोचो। सर इसका मतलब बताता हूं, सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दे दिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर, सॉरी प्लस वन देने से नहीं हो पाएगा, ये बुद्धि लगाने वाला सम है, हर जगह नहीं लगेगा। हाँ सपोज ये वाला सम है, तो सर अब इसको वन वन चेक करना है। अगर इसको वन वन चेक करना है तो एक चीज देखो, ऊपर में क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो रहा है या नेगेटिव हो रहा है? Positive. तो अगर क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो रहा है तो इसका मतलब इसके रूट्स होंगे, होंगे या नहीं? यस सर। वन प्लस माइनस रूट फाइव बाई टू, तो इसके दो रूट्स हैं, एक अल्फा और बीटा, तो इसका मतलब एफ ऑफ अल्फा का वैल्यू क्या होगा तब? रूट में न्यूमरेटर का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो एफ ऑफ अल्फा भी जीरो हो गया, एफ ऑफ बीटा भी जीरो हो गया, तो क्या बोलोगे फंक्शन? वन वन नहीं, मैनी वन, मतलब मैनी वन। तो यहाँ पे मैंने ट्रिक लगा लिया कि अरे मैंने ध्यान से देखा कि ऊपर का एक रूट, मतलब अब अगर मैं तुमसे कभी पूछूंगा कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डॉट 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 एक्स माइनस टेन, ये वन वन है या मैनी वन है? मैनी वन है, दिखने से ही लग रहा है। क्यों? क्योंकि तुम एफ ऑफ वन में भी इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, एफ ऑफ टू में भी इसका वैल्यू जीरो हो रहा है, तो फंक्शन मैनी वन हो गया। तो कई बार तुम ऐसा ट्रिक लगाओगे, सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स का वैल्यू दिया एक्स टू दी पावर फोर प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस 3x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5, f r से लेके r तक है ना, मैं ये बोल रहा हूं, हां f ऑफ x का मैंने दिया x टू पावर 4, तुम बोलोगे सर इसमें तो प्रॉब्लम हो गया, बाय इंस्पेक्शन कैसे निकालेंगे? ठीक है, अगर फंक्शन r से r तक है तो f ऑफ इंफिनिटी का वैल्यू क्या होगा? हाईएस्ट पावर x टू पावर 4 है, इंफिनिटी, इंफिनिटी, और f ऑफ माइनस इंफिनिटी का वैल्यू भी क्या होगा? इंफिनिटी। तो यही देख के बोलो ना फंक्शन वन वन है या मैनी वन है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? मेरा कहना है जब तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे तो इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी ले रहा है, माइनस इन्फिनिटी में भी इन्फिनिटी ले रहा है, तो इसका ग्राफ तो कुछ ऐसा ही होगा ना रे, होना ही पड़ेगा, क्योंकि ये ऊपर से शुरू होके ऊपर में ही खत्म हो रहा है। तो ये सब ट्रिक है, यहाँ पे कोई ये सब में कोई फॉर्मूला नहीं है, तो किसी को ये लिखने का मन है तो लिख लो, मैं दे रहा हूँ एक मिनट का टाइम, जो जो लिखना है तुम्हें। मगर अब मैं जहां पे आऊंगा वो एक वेल एस्टेब्लिश कॉन्सेप्ट है कि कॉन्टिन्यूस फंक्शन होने से हम कुछ कर सकते हैं। मूर्छना का मैंने बोला था, यस सर, उसने हाँ सही है। उदीप्ता परा सर, यस। जैसिम सर, एक आकांक्षा यादव प्रेजेंट सर, अभिनव, देवांगा भूषण कश्यप प्रेजेंट सर, जोशीता प्रेजेंट सर, हिमांशु बोरगोहाई प्रेजेंट सर, देवांगुर कलिता, हाँ देवांगुर कलिता, अनुभव बोरा, अरे क्या हुआ फिर से, अनुभव बोरा दो बार आया, क्या नाम सर? दो है सर, दो अलग अलग क्या? ठीक है, अनुभव बोरा, ठीक ठीक है, चलो। निशांता कलिता प्रेजेंट सर, प्रेजेंट। दौर्थी बार्नब गोगोई प्रेजेंट सर, कौशल प्रेजेंट सर, अजित्य ओतिजिया प्रेजेंट सर, सुदीप्त प्रेजेंट सर, चल ठीक है, चलो आगे चल रहा हूँ।
ठीक है, तो ये ट्रिक है। हाँ मैं फिर से कह रहा हूँ, ये ट्रिक है। जैसे पीरियोडिक, मैं ऐसे मुंह जबानी बोल रहा हूँ, पीरियोडिक फंक्शन जो होगा वो कभी वन वन नहीं होगा, समझ में आया ना। पीरियोडिक फंक्शन का डेफिनेशन ही बोलता है कि एक टाइम के बाद वो अपना वैल्यू क्या करेगा, रिपीट। और वन वन का मतलब है कि रिपीटेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, तो दिखने से ही पता चल जा रहा है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये एक बहुत स्पेसिफिक जगह लगता है मगर एग्जामिनेशन में आता है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो हम डिफरेंशिएशन करके पता कर लेते हैं। तो इस एल्गोरिथम का नाम याद रखोगे, कॉन्टिन्यूअस प्लस डिफरेंशिएशन। ध्यान से देखो, अगर एक फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा जब मैं कर्व ड्रॉ करूंगा। मैं ऊपर की ओर मैं जाना शुरू कर रहा हूं, जाना शुरू कर रहा हूं, जाना शुरू कर रहा हूं। ऊपर की ओर जाने का मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। किसी एक पॉइंट में अगर मैं नीचे आ गया तो ये फंक्शन वन वन होगा क्या, बोलो? नो सर। क्यों सर? एक पॉइंट में दो हॉरिजॉन्टल लाइन दो पॉइंट में कट कर रहा है। मतलब अगर तुमने डिसीजन ले लिया कि फंक्शन ऊपर जा रहा है तो उसे हर समय ऊपर ही जाना होगा, जाना होगा या नहीं? यस सर, यस सर। या तुमने अगर डिसीजन ले लिया कि फंक्शन नीचे जा रहा है तो उसे हर समय नीचे जाना पड़ेगा, नीचे ही जाना होगा। मैं कॉन्टिन्यूस का बात कह रहा हूं। तुम बोलोगे सर देखिए ना, मैंने अभी एक फंक्शन बनाया, ये ऊपर की ओर गया और ये नीचे की ओर गया, ये वन वन है, मगर यहाँ एक प्रॉब्लम है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। ये फंक्शन क्या है? मैंने हाथ उठा लिया, डिसकॉन्टिन्यूस। डिसकॉन्टिन्यूस तो डिसकॉन्टिन्यूस में ये थ्योरी फेल हो जाता है क्योंकि ये इंक्रीजिंग पार्ट है, ये डिक्रीजिंग पार्ट है। तो मैं खुद कह रहा हूं कि ये फेल हो जाएगा यहाँ पे। तो अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो या तो वो हर समय इंक्रीज करे या तो वो हर समय डिक्रीज करे। इंक्रीजिंग का जो कंडीशन था, ये एक फैक्ट दे रहा हूं, प्रूफ नहीं दे रहा हूं अभी, वो है कि एफ डैश एक्स हर समय पॉजिटिव होगा। डिक्रीजिंग का जो कंडीशन है वो था, ये एक फैक्ट दे रहा हूं कि एफ डैश एक्स हर समय लेस देन इक्वल टू जीरो होता है। इसका मतलब हुआ कि अगर एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन का एफ डैश एक्स हर समय पॉजिटिव है या हर समय नेगेटिव है तो वो वन वन होगा। इसे मैं लिखाऊंगा हाँ, मगर मैं पहले कुछ एग्जांपल कराना पसंद करूंगा। जैसे अगर मैं तुमसे कभी पूछूं, सपोज एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर और एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स क्यू पर फाइव प्लस एक्स क्यू प्लस एक्स है, क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? कॉन्टिन्यूस का मतलब डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा। कॉन्टिन्यूस का मतलब डिनोमिनेटर डू नॉट या डज नॉट हैज रियल रूट। हाँ, डिनोमिनेटर का रियल रूट नहीं होगा। तो ये वाला फंक्शन को तुम बोलोगे वो सर इसीलिए आपने कल कॉन्टिन्यूस फंक्शन पढ़ने बोला था। नहीं नहीं नहीं, अरे कॉन्टिन्यूस ये तुम लोग सब लोग बुद्धिमान हो, डिनोमिनेटर इसमें डिनोमिनेटर है? नो सर। नहीं सर। तो क्या ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है? नो सर। हाँ, अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, मुझे वन वन चेक करना है, मैं एफ डैश एक्स कर रहा हूँ, एफ डैश एक्स मुझे पावर में ध्यान दो, पावर को ध्यान दो, पावर को ध्यान दो, क्या एफ डैश एक्स कभी भी नेगेटिव होगा? सर नो सर। क्यों? सब इवन पावर है, इसका मतलब है एफ डैश एक्स हर समय पॉजिटिव है, मतलब एफ डैश एक्स हर समय इंक्रीजिंग है। और अगर एफ डैश एक्स हर समय इंक्रीजिंग हुआ तो फंक्शन वन वन हुआ या मैनी वन हुआ? वन वन। तो इससे मुझे पता चला कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो ऑलवेज, और क्योंकि ये हर समय ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है तो इससे बोलोगे एफ ऑफ एक्स इज वन वन क्योंकि वो इंक्रीजिंग है। मगर सबसे पहले मुझे ये ऑब्जर्वेशन करना होगा इस समय कि फंक्शन जो है वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। मैं और एक सम कराना चाहूंगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू थ्री साइन एक्स माइनस टेन एक्स, एफ डैश एक्स क्या होगा? थ्री कॉस एक्स। आप बोलो थ्री कॉस एक्स माइनस टेन, क्या ये कभी पॉजिटिव होगा? नो सर। नो सर। अरे थ्री कॉस एक्स कहां से कहां तक लाई कर सकता है, माइनस थ्री से लेकर माइनस थ्री, तो थ्री कॉस एक्स माइनस टेन कहां से कहां तक लाई करेगा?
थ्री कॉस एक्स लाई करेगा माइनस थ्री से थ्री तक, तो थ्री कॉस एक्स माइनस टेन कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस थर्टीन से लेके माइनस सेवन, तो क्या मिला, ऑलवेज ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव, तो ऑलवेज नेगेटिव, तो हेंस क्या बोलोगे, एफ ऑफ एक्स इज वन 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 वन। इसी में अगर अब मैं बोलूं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस थ्री कॉस एक्स, तब तब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आएगा, पहले तो ये देखोगे कि ये कॉन्टिन्यूस है, टू प्लस थ्री साइन एक्स, अब टू प्लस थ्री साइन एक्स साइन चेंज करेगा, हाँ या ना, यस सर करेगा सर, यस, माइनस थ्री से थ्री तक है, तो टू प्लस थ्री साइन एक्स कहां से कहां तक लाई करेगा, माइनस वन से फाइव तक, तो क्या मिला, ये नेगेटिव भी मिला और क्या बोलो, पॉजिटिव, तो एफ डैश एक्स नेगेटिव भी मिला पॉजिटिव भी मिला, तो क्या बोलोगे, एफ डैश एक्स क्या, चेंजेस चेंजेस साइन साइन, मतलब वो डिक्रीज भी कर रहा है और इंक्रीज भी कर रहा है, वही हो रहा है ना इसका मतलब, यस यस सर, ये वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा, ये वो पॉइंट है जहां पे एफ डैश एक्स पॉजिटिव होगा, तो हेंस फंक्शन क्या बोलोगे, फंक्शन क्या है, मेनी वन, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, हाँ मैं इससे समझा रहा हूँ, बस इस वाले का प्रूफ मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये एओडी का है, बाकी सब मैं समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, किसी को लिखना है तो लिख लो अब ये वाला, तो ये इक्वल टू जीरो मतलब फंक्शन कांस्टेंट नहीं हो जाएगा, नहीं वो उसमें मैं अभी आऊंगा, इक्वल टू जीरो दो जगह होता है, एक होता है आइसोलेटेड पॉइंट में और एक होता है एक इंटरवल में, आया समझ में, जैसे तू जब एफ ऑफ एक्स को एक्स क्यूब करता है तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन क्या होगा, ट्वाइस एक्स स्क्वायर, सो थ्री एक्स स्क्वायर, मगर जीरो में इसका वैल्यू जीरो पॉसिबल है या नहीं, मगर ये आइसोलेटेड पॉइंट में इंटरवल में नहीं होगा, मतलब इक्वल टू जीरो इंटरवल में नहीं हो सकता है, वो आइसोलेटेड पॉइंट्स में ही होना पड़ेगा, आया समझ में, यस सर, ठीक है, तो इसलिए इक्वल टू जीरो को तुम हटा नहीं सकते हो, तुम्हें देखना पड़ेगा कि वो कहां पे जीरो हो रहा है, क्या वो इंटरवल में हो रहा है या वो आइसोलेटेड पॉइंट में हो रहा है, सर ऊपर वाला हुआ नहीं था सॉरी, अब ठीक है, हाँ बोलते जा, बोल जय प्रकाश सर, लाइन नंबर थ्री में नीचे सर वो लेस देन इक्वल टू जीरो नहीं है ना, तो सर वन वन कैसे हो गया, कहाँ पे कहाँ पे सर, वो एफ डैश एक्स थ्री कॉस एक्स माइनस टेन लेस देन जीरो, नहीं इक्वल टू नहीं होने से भी चलेगा, मैंने ये थोड़ा बोला कि इक्वल टू होना ही पड़ेगा, इक्वल टू तो नहीं होने से भी चलेगा, मतलब नॉन पॉजिटिव होना पड़ेगा, हाँ वही हाँ, जो इक्वल टू होना जरूरी नहीं है, हाँ मुझे बोलते रहोगे मैं धीरे धीरे ऊपर लेते हुए निकल जाऊंगा, डिनोमिनेटर देख के, डिनोमिनेटर को जीरो नहीं होना चाहिए, आया समझ में, यस सर, और सेकंड ये बात है कि एक चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंसिबिलिटी पढ़ाऊंगा ही, समझ में आया, उसके बाद तो पता चल ही जाएगा बोर्ड लेवल में है, मगर उसके बाद मैं वन वन नहीं पढ़ाऊंगा, इसलिए ये टॉपिक अभी मैं पढ़ा दे रहा हूं, एक बार ऊपर स्क्रॉल कर सकते हैं, ठीक है बोल, हाँ बोल, ठीक है सर जाऊं, सो लिखो, मैं 45 सेकंड दे रहा हूँ, मुझे आगे चलना है, सम्स करवाना है मुझे, वो कंडीशन 100% नहीं लगता है, बॉक्स एक्स भी डिसकंटीन्यूअस फंक्शन है, हाँ उसका डिनोमिनेटर नहीं होता है सर, एफ डैश एक्स के 3 से नहीं सुन, एफ डैश एक्स कहाँ पे बोलो, लाइन नंबर 15 2 प्लस 3 साइन एक्स, हाँ 2 का डिफरेंशिएशन तो 0 है, और तरीका मैं ये 2x रे सॉरी,
सॉरी ये टू एक्स है, वरना तो डायरेक्टली बोल सकता था कॉस एक्स है तो थैंक्स। आगे चलो। यस सर। यस सर। तो रुकिए सर। ठीक है। ओके सर। मैं इसे अच्छे से लिख रहा हूं। एक फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग अगर होता है तो उसे मोनोटोनिक कहते हैं। कोई फंक्शन तब मोनोटोनिक होता है अगर वो या तो आइदर इंक्रीजिंग हो हर समय ऑलवेज और डिक्रीजिंग हो ऑलवेज। तो मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें यह बताया कि y इज इक्वल टू f ऑफ x में मैं एल्गोरिथम दे रहा हूं। तो सबसे पहले तुम ऑब्जर्व करोगे कि f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस। जैसे पॉसल को प्रॉब्लम हुआ सर कि पता कैसे चलेगा कॉन्टिन्यूअस, चैप्टर नंबर 5 बोर्ड, तो जिस दिन पढ़ाऊंगा उस दिन तो पता चल जाएगा, मैं मानता हूं। ठीक है, और अभी अभी फॉर अ टाइमिंग बस देखो कि डिनोमिनेटर कैन नॉट हैव रियल रूट, cannot have real root। जब तुम ये देखोगे तो नंबर टू का क्या करोगे, differentiate and y is equal to f dy by dx is equal to f dash x। अब पॉजिटिव या नेगेटिव जरूरी नहीं है, तुम बस ये देखोगे कि अगर f dash x does not change sign, जीरो इंक्लूडेड है हाँ, if f dash x does not change sign, अगर वो अपना साइन चेंज नहीं करेगा तो f of x is 1 1 हर समय। और अगर f dash x changes sign, अगर f dash x अपना साइन चेंज कर रहा है, मतलब किसी इंटरवल में पॉजिटिव हो रहा है और नेगेटिव हो रहा है, तब बोलोगे f of x is many 1। ये एकदम बोर्ड लेवल से लेके MIT लेवल तक ये थ्योरी जबरदस्त है कॉन्टिन्यूस फंक्शन के लिए। डिसकॉन्टिन्यूस में ये फंक्शन फेल हो जाता है, किसी को लिखना है तो लिख लो। कुछ पूछना है तो पूछो। आगे चलो। डन। चलो तो आगे चलते हैं। मेरे ख्याल में समझ में तुम लोग को आया होगा। अगर ये समझ में आया है तो लेट्स गो बैक टू द क्वाड्रेटिक। कुछ याद है क्वाड्रेटिक में कभी कभी तुम जब एफ डैश एक्स करोगे तो तुम्हें क्वाड्रेटिक नहीं करता था, डज नॉट चेंज साइन। कोई एकदम चुप हो गए, कोई बोलेगा, मुझे अच्छा लगेगा बोलेगा तो पर चेंजेस साइन। हाँ ये तब होगा जब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू हो सकता है। हाँ चेंजेस साइन का बोलो डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर, मतलब अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि f एक फंक्शन है r से लेके r तक और मैं तुमसे पूछूं चेक फॉर 1 1, सपोज f ऑफ x का वैल्यू है x³ + 3x² + 4x + 6,
क्या ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन है? पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. पॉलिनोमियल इज ऑलवेज कॉन्टिन्यूस. तब एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या आया? 3x² सी टू जा 6x प्लस 4. अब बोलो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव आया या नेगेटिव आया? नेगेटिव. नेगेटिव. तो हेंस क्या बोलोगे? एफ डैश एक्स डस नॉट चेंज. तो हेंस इससे क्या बोल सकते हो? 1 1 1 1 1. तो हेंस एफ ऑफ एक्स इज 1 1. आया समझ में? ठीक है. वही मगर यहाँ पे ऐसा अगर सम होता कि सपोज वही प्रॉब्लम अगर यही नहीं हो के प्रॉब्लम में अगर ऐसा देता f of x is equal to x to the power 6, sorry 6 देने से तो x cube plus 3x² minus twice x plus 5. तब जब तुम f dash x करते हो तो 3x² plus 6x minus 2. और अब इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो 36 प्लस आ जाएगा 4 इंटू. तो क्या बोलोगे? दिस क्या चेंजेस साइन. तो फंक्शन क्या होगा बोलो? एनीवन. तो कितना सुंदर से तरीके से निकल गया. नहीं क्या लिखना है तो लिख लो किसी को. इसे लिखो, मैं आ रहा हूँ, मैं डेढ़ मिनट का टाइम दे रहा हूँ, लिखो. सुना आगे चलूं? यस सर. यस सर. यस. चलो तो भाई मैंने ठीक है अब रेंज से थोड़ा सा हट गए हैं तो थोड़ा सा हाँ वो डोमेन रेंज. फंक्शन इज नॉट ओनली अबाउट डोमेन एंड रेंज. हाँ पहले तो इस चीज को समझो. हाँ सो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x square minus x plus 18 by x square plus 4x plus 30 is many one. अच्छा solution. f of x का value सम लिख लोगे क्या? 15 second दे रहा हूँ सम लिखने के लिए. चलूं आगे? यस सर. अब
डिनोमिनेटर का डिस्क्रिमिनेंट क्या है ये देखना जरूरी है, ये तुम्हें ऑब्जर्व करना होगा। डिस्क्रिमिनेंट अगर नेगेटिव हो गया तो इसका कोई रियल रूट नहीं होगा, तो अगर नो रियल रूट तो क्या बोलते हो? कंटिन्यूअस फंक्शन कंटिन्यूअस है। तो अगर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, अगर डिसकंटिन्यूअस आता तो सर आप क्या करते? तब मेरे पास एक ही तरीका था, एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू वाला, और कोई तरीका नहीं था रे। अभी न्यूमरेटर का भी डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, इसलिए मैं ट्रिक नहीं लगा सकता हूं, ठीक है, मैं इसलिए ट्रिक नहीं लगा सकता हूं यहां पे। एक अलग चीज है लिमिट्स जब सीखोगे तो, हाँ कि डायरेक्टली कह सकते हो, मगर जब तक लिमिट्स नहीं सीखते हो एटलीस्ट तब तक तो एफ डैश एक्स कर लेना। यू बाय वी का डिफरेंशिएशन करना, मैं डायरेक्टली आंसर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस 30 का होल स्क्वायर आएगा नीचे, 12 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 26। ये होल स्क्वायर होने के कारण एफ ऑफ एक्स का साइन डिनोमिनेटर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होगा, ध्यान से देखो, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, होगा या नहीं? यस सर। तो इसका मतलब कि एफ डैश एक्स का जो साइन है वो केवल किसके ऊपर डिपेंड करेगा? न्यूमरेटर। तो साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स डिपेंड्स अपॉन, तो डिपेंड्स अपॉन न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में है तुम्हारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स माइनस 26, इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव या नेगेटिव निकालने का जरूरत नहीं है, माइनस 26 है, माइनस 26 माइनस डिस्क्रिमिनेंट को पॉजिटिव कर लेगा, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है। तो इसका मतलब ये वाला फंक्शन क्या हो रहा है? चेंजेस। अगर ये चेंजेस साइन हो रहा है तो ये पूरा का पूरा क्या करेगा? चेंजेस साइन, क्योंकि नीचे वाला तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो हेंस एफ डैश एक्स चेंजेस साइन, और एफ डैश एक्स अगर चेंजेस साइन होगा तो क्या बोलोगे? मेरे पास कोई और तरीका ही नहीं है, मुझे एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कहना होता और वो लंबा होता, मैं इसी सम को एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करके टॉप ऑफ वीडियो में दिखा दूंगा, यहाँ पे नहीं लिखना है तो लिख लो। एक मिनट का टाइम देता हूँ। कंटिन्यूअस होना एकदम जरूरी है। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है? टेन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या है बोलना? सेक्स स्क्वायर एक्स क्या अपना साइन चेंज करेगा? नहीं। तो इसका अनुसार तो टेन एक्स को वन वन होना चाहिए, मगर टेन एक्स तो पीरियोडिक फंक्शन है, वन वन है या मेनी वन? मेनी वन। तो हो तो गया, आ रहा है ना समझ में कहां पे प्रॉब्लम हुआ? तो डिस्कॉन्टिन्यूस में ये थ्योरी टाइम टाइम फिस हो जाता है। कॉन्टिन्यूस में जो लगता है यही बहुत बड़ा बात है। आगे चलूं? यस यस सर। चलूं? बोल देना चलूं। चलो ओके ठीक है। अब मैं ऑन टू में आ रहा हूं, या इसी में एक सम करवाता हूं, कभी कभी उल्टा चीज पूछता है। देखिए प्रॉब्लम, इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, फाइंडिंग पैरामीटर, हाँ फाइंडिंग पैरामीटर में काफी लंबे सम्स भी बनते हैं कभी कभी, उसे मैं टॉप अप में दूंगा, मगर लॉजिक यहीं पे दे, एग्जैक्टली सेम लॉजिक उसमें भी लगता है, हाँ बस उसमें क्या होता है कि इनइक्वालिटी काफी बड़ा हो जाता है, मैं यहाँ पे तुम लोगों को छोटा इनइक्वालिटी में बताना चाहूँ। इफ इज वन वन, अगर ये एक वन वन फंक्शन है, फाइंड रेंज ऑफ पी सॉल्यूशन, अगर ये एक वन वन फंक्शन है तो तुम्हें पी का रेंज निकालना है। क्या ये कॉन्टिन्यूस है? हाँ पॉलिनोमियल है तो
पॉलिनोमियल है तो कॉन्टिन्यूस क्या, पॉलिनोमियल को तो बाय डिफॉल्ट ही कॉन्टिन्यूस होता है. अगर ये पॉलिनोमियल है तो डायरेक्टली एफ डैश एक्स बोलो, 3x स्क्वायर माइनस 3 टू द 6x माइनस b, और ये डज नॉट चेंज द साइन होना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ही गिवन है, क्वेश्चन में ही गिवन है. क्वेश्चन पढ़ के देखो क्या गिवन है. गिवन है कि f ऑफ x इज 1 1, तो अगर f ऑफ x 1 1 है तो f डैश x डज नॉट चेंज द साइन. तो इसे f डैश x क्यों देख लो, क्वाड्रेटिक डज नॉट चेंजिंग साइन देखो ना कब होता है. क्या अभी मैंने कुछ बोला था? क्वाड्रेटिक अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन इक्वल टू 36 प्लस 12p लेस देन इक्वल टू 0, मतलब p इज लेस देन इक्वल टू माइनस 4/3. खेला खत्म. हाँ बोलो. तो 3x को 6x, तो ये 4x है ना. अच्छा ठीक है, 4 ठीक है, 16x है, तो 16x है तो 4/3, तभी तो 4/3 होगा. चलो लिखना है तो लिख, आगे चलेंगे. 16/2 इज 1 1, अगर ये 1 1 है तो ये खेला है. ओह टाइमर देना भूल गया था, 30 सेकंड का टाइमर दे रहा. चलूं आगे? यस सर. ठीक yes. है. अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका जरूरत बार बार पड़ता है. के सपोज एक पैरामीटर है और कह रहा है कि के हर समय एफ ऑफ एक्स से बड़ा होता है, हर समय, फॉर ऑल एक्स. एक्स फंक्शन के डोमेन में है और के हर समय एफ ऑफ एक्स से बड़ा होगा, तो क्या तब मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकता हूं के को एफ ऑफ एक्स के मैक्सिमम से बड़ा होना पड़ेगा? यस सर. जरा लॉजिक सोचो ना, के को हर समय एफ ऑफ एक्स से बड़ा होना है. सपोज ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है और के एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो ये इसका मैक्सिमम था, ये इसका मैक्सिमम एम है, तो क्या ये वाला लाइन हर समय एफ ऑफ एक्स से बड़ा है? हाँ या ना? नो सर. नहीं ना, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है वो एफ ऑफ एक्स का पोर्शन के से बड़ा है. तो अगर के हर समय एफ ऑफ एक्स से बड़ा होगा तो या तो उससे एम होना पड़ेगा, नहीं तो ऊपर में होना पड़ेगा, नहीं क्या? वैसे ही अगर मैं तुमसे बोलूं कि के हर समय एफ ऑफ एक्स से छोटा है, तब मुझे कोई बोलेगा फॉर ऑल एक्स के को किससे छोटा होना पड़ेगा? के को मिनिमम ऑफ एफ ऑफ एक्स से छोटा होना पड़ेगा. किसी को लिखना है तो लिख लोगे, फिर आगे चलो. आगे चलो. यस यस सर. ठीक है चलो. चलो प्रॉब्लम. इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू के एक्स माइनस साइन एक्स इज 1 1, कुछ नहीं दिया हुआ है तो इसका फुल डोमेन आर होता है. फाइन रेंज ऑफ के सॉल्यूशन. क्या फंक्शन कॉन्टिन्यूस है?
अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो एफ डैश एक्स क्या होगा? के माइनस कॉस एक्स। और अगर फंक्शन वन वन है तो क्या होना पड़ेगा? एक्चुअली में होता है कि एफ डैश एक्स डज नॉट चेंजेस साइन, मगर ये तो अंग्रेजी है ना, डज नॉट चेंजेस साइन का मतलब क्या होगा? डज नॉट चेंजेस साइन का मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स हर समय नेगेटिव होगा, नहीं क्या? और yes. नहीं तो क्या होना पड़ेगा? एफ डैश एक्स को हर समय ऑलवेज पॉजिटिव, तो यही होना पड़ेगा ना, या तो एफ डैश एक्स हर समय नेगेटिव हो या तो एफ डैश एक्स हर समय पॉजिटिव हो। तो एफ डैश एक्स हर समय नेगेटिव कब होगा? जब k माइनस कॉस एक्स हर समय नेगेटिव हो, मतलब k इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू क्या? कॉस एक्स। तो k इज ऑलवेज लेस देन, k हर समय कॉस एक्स से छोटा, तो k किससे छोटा? माइनस वन, मिनिमम ऑफ कॉस एक्स से छोटा, मतलब k is always less than equal to minus one. और f dash x हर समय, तो डायरेक्टली लिख रहा हूँ, k हर समय cos x से बड़ा, तो k किससे बड़ा? one. maximum. one. तो hence k one से बड़ा. तो क्या one one k का क्या कंडीशन होगा? समझ में आ रहा है रे? ठीक है, हाँ, क्योंकि ये सब एकदम, मुझे तो ये सब एकदम ऑटोमेटिक प्रॉब्लम्स लगते हैं, ठीक है, कि तुम्हें अगर रिजल्ट याद है तो कुछ है ही नहीं। हाँ, वन वन ऑन टू, और तुम्हें अच्छा भी लगेगा, मैं अभी जस्ट तुम लोग को मिल जाएगा, हाँ, वो सीट जो मुझे सबमिट करने के लिए मैं बोलता हूँ, तो जो लोग सबमिट कर पाओगे करोगे। और सीरियसली कहता हूँ, हाँ, कि अगर केवाईयू सीट सबमिट करते रहोगे ना तो थोड़ा सा मेरे ख्याल में बेटर होगा, तो मतलब मिनिमम लर्निंग जो होगा उसका गारंटी रहेगा कि हाँ नहीं, वो मिनिमम लर्निंग तुम्हारे पास हर समय है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मिनिमम लर्निंग मैक्सिमम लर्निंग होता है, मगर मिनिमम लर्निंग प्रॉब्लम यह है कि मिनिमम लर्निंग भी नहीं होता है कईयों के पास अभी इस पैंडेमिक के टाइम में, बस क्लास करते हो, वो जो एक मिनिमम लर्निंग वाला बात होता है ना। चलूं आगे? टाइमर देना भूल जा रहा हूँ, सॉरी। चलो बोल दोगे मुझे, टाइमर देना भूल। अब उसके बाद वाले फंक्शन में आता हूं जिसका नाम है ऑन टू फंक्शन, ये भी हम लोगों ने देखा था, मतलब जिसे हम सर्जेक्टिव भी कहते हैं। अगर एफ ए से लेके बी तक होता है तो हम कहते हैं f इज ऑन टू, कब कहते थे कुछ याद है? अगर कोडोमेन इज इक्वल टू क्या? इक्वल टू कोडोमेन। तो रेंज तुम्हें, रेंज तुम्हें निकालना होगा, कोडोमेन दिया होता है, दिया होगा, या कभी कभी उल्टा भी होता है कि तुम्हें कोडोमेन निकालना है, रेंज चाहिए होता है। जैसे अगर मैं प्रॉब्लम बोलूं कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम जीरो टू वन टू बी एंड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स इज ऑन टू फाइंड बी, तो क्या करोगे? रेंज तो आप इसका रेंज कैसे निकालेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स जीरो से वन तक, तो ये तो दिखते ही क्लोज डिफरेंशिएशन वाला मेथड याद आ रहा है ना, ट्वाइस एक्स प्लस टू। जीरो करोगे तो एक्स का वैल्यू माइनस वन, मगर माइनस वन चलेगा क्या? क्योंकि क्वेश्चन में डोमेन दिया हुआ है कहां से कहां तक, जीरो से वन। तो अब केवल तुम वैल्यू निकालोगे, कहां कहां वैल्यू निकालोगे? एफ ऑफ जीरो में जीरो, एफ ऑफ वन में थ्री, तो इसका रेंज कहां से कहां तक है? जीरो से थ्री, हेंस इसी यही किसका वैल्यू होना पड़ेगा, बी का, क्योंकि क्वेश्चन ही कह रहा है क्या, एफ इज ऑन टू, लिखना है तो लिख लो। तो एक तो ऐसा सम होगा, तो अब इसमें ये सम क्यों कर रहा हूं? तुम बोलोगे सर क्यों नहीं कराओगे, अरे रेंज निकालना तो सिखा दिया है तुम लोग को मैंने, तो निकालो ना रेंज। तो ठीक है सर, ये सम आप नहीं कराओगे, तो कौन सा सम कराएंगे? पहले ये लिख लो, तो उसका बताता हूं, एक मिनट का टाइम देता हूं लिखने के लिए।
हाँ मगर उससे आसान तो ये है ना, ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर से तो ये कहीं ज्यादा आसान है। इतने छोटे स्पेस में परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाता, उसके लिए फिर मुझे नीचे पे नए पेज में आना होता। हो गया सर, चलो ठीक है। चलूं आगे? Yes, sir. F is a function from 0 to infinity to R. Zero to infinity. F of x is equal to x minus 3 by x plus 1. Then f is a11 b onto c bijective. Bijective का मतलब क्या था? 1 1 b और onto b. onto b और d into. चलो इसे भी प्लस ले लेता हूं, चलो आगे शुरू कर रहा हूं, ठीक है। तो 1 1 चेक करूं या डायरेक्टली कुछ बोल सकते हो? तो 1 1 ही क्यों बोल रहे हो? सर ax plus b by cx plus d, cx plus d 1 1 होता है। अब ऑन टू के लिए क्या निकालना होगा? रेंज। तो रेंज निकालने के लिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मैं डायरेक्टली x का वैल्यू लिख रहा हूं, 3 minus y by y minus 1। तो y क्या नहीं हो सकता है? केवल 1 नहीं हो सकता है, वो कंडीशन लगेगा या x के ऊपर कुछ और एक्स्ट्रा कंडीशन लगेगा? ध्यान से देखो डोमेन क्या है, तो पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो ध्यान से देखो डोमेन क्या है, डोमेन तुम्हारे पास 0 से इंफिनिटी है, मतलब तुम जानते हो कि x हर समय 0 से बड़ा है, इसलिए इसे हर समय किससे बड़ा होना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तब जब तुम इसका रेंज निकालोगे तो एक 1 आया। y ऐसे ही x पॉजिटिव, y नेगेटिव तो नहीं हो सकता, वो तो यहीं से मुझे पता चल रहा है, क्योंकि x अगर नेगेटिव है तो y नेगेटिव नहीं हो सकता है। बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन आ रहा है, बाय डिफॉल्ट एक कंडीशन हो रहा है कि अगर x पॉजिटिव होगा तो y को पॉजिटिव होना ही पड़ेगा। एक 1 एक 3, 1 हो नहीं सकता है। लीडिंग ऑप्शन क्या मिला? नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो बोलोगे कहां से कहां तक मिला? 1 से लेके 3 तक। तो ये इसका रेंज है। कोडोमेन क्या है देखो तो ऊपर, पॉजिटिव, तो कोडोमेन, तो क्या बोलोगे? ऑनटू का इनटू, इनटू, क्योंकि दोनों तो सेम है नहीं, तो फंक्शन जो है वो इनटू है। तो आया समझ में ना? देखो यार ऐसा सब मैं ज्यादा नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये सब मैंने इंडिविजुअली करवा दिया है तुम लोग को, समझो इस चीज को। 1-1 करा दिया है, ऑन टू करवा दिया, इंडिविजुअली करवा दिया, लिखना है तो लिख लो। हाँ तो ज्यादा सम यहाँ पे नहीं करवाऊंगा, इंडिविजुअली मैंने सम्स करवा दिया ये वाला तुम लोग को। होता है मुझे सीट सबमिट कर दोगे, ठीक है। यस सर।
चलो आगे चलूं? ठीक है, तो ऑन्टू का जो खेला है वो यही है कि तुम्हें निकालना होगा नया जो चीज है वो परमुटेशन कॉम्बिनेशन बेस, थोड़ा सा मैं नंबर ऑफ फंक्शन वाला चीज बता रहा हूं एक्सेप्ट नंबर ऑफ ऑन्टू फंक्शन, बाकी सबको तो मैं तुम लोगों को प्रूफ भी दे पाऊंगा। हाँ, एफ सपोज ए से लेके बी तक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए में एन है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी एम है। मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ फंक्शंस कितने होते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन वाले दिन हो सकता है तुम्हें फॉर्मूला याद ना हो। तो अगर मैं यहाँ पे ए बी ले लूं और यहाँ पे 1 2 3 4 ले लूं, तो नंबर ऑफ फंक्शन के लिए ए अगर 1 में जा रहा है तो बी 1 में जा सकता है नहीं, हाँ या ना? नो सर। नहीं नहीं, मैं 1 1 का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं नंबर ऑफ फंक्शन का बात कर रहा हूँ। जा सकता है। तो ए के कितने ऑप्शंस हैं यहाँ पे लगने वाले? 4। और बी के भी कितने ऑप्शंस हैं? 4। तो 4 अगर दोनों ही 4 ऑप्शंस हैं तो क्या हो जाएगा ये 4 × 4 = 4। तो ये 4 किसका? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी है। और 2 क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो नंबर ऑफ फंक्शन हर समय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी टू डी पावर नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही नहीं होता है, मतलब एम टू डी पावर एन। एक एक करके लिखते हुए जाओगे क्या? पीएनसी इसलिए क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन यूज कर रहा हूं। 30 सेकंड का एक टाइम देता आगे चलूं? यस सर। नंबर ऑफ 1-1 मैपिंग कितना होगा? ये डिपेंड करता है। क्यों? सपोज मैंने यहाँ पे ए बी सी दिया और यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया, तो ए के कितने पॉसिबिलिटीज हैं? 5। मगर अब 1-1 में ये नहीं हो सकता है, ए अगर 2 में गया तो बी या तो 1 में जाएगा या तो 3 में जाएगा या तो 4 में जाएगा या तो 5 में। समझ में आ रहा है? यस सर। तो बी सब में नहीं जा सकता है, ठीक है। तो ए के अगर 5 पॉसिबिलिटीज है तो बी के कितने पॉसिबिलिटीज? 4 और सी के 3। तो ये 5 × 4 × 3 जिसको तुम 5P3 लिख सकते हो। तो इसका मतलब ये तुम्हारे पास होगा MPN अगर M N से बड़ा है। अगर M इक्वल टू N है तब भी सेम ही होता है, मगर हम इसे नहीं लिख के डायरेक्टली M फैक्टोरियल लिख देते हैं MPM, क्योंकि दोनों सेम है। मगर अगर एम एन से छोटा है तो कभी भी 1-1 नहीं हो सकता है। देखो यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे 1 2 3 है, 1 ए में गया, बी 2 में गया, तो 3 को तो कहीं ना कहीं जाना होगा, हाँ या ना? यस सर। और 3 जैसे किसी में एक जाएगा, फंक्शन का 1-1 होना पॉसिबल नहीं है। तो अगर एम एन से छोटा है तो ये 0 होगा। किसी को लिखना है तो लिख लो। आगे चलूं? यस सर। यस। नंबर 3, तो नंबर ऑफ मैनी वन फंक्शन कितना होगा? काउंटर टोटल में क्या माइनस कर दो? नंबर ऑफ फंक्शंस तो तुमने निकाला ही था ना, नंबर ऑफ फंक्शंस तो तुमने अभी निकाला ही था,
उसमें माइनस कर दो नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, तो तुम्हारा खिला खत्म हो जाएगा। नंबर चौथा, नंबर ऑफ ऑन टू कितना होगा? नहीं सॉरी, इसमें मैं प्रूफ नहीं दे पाऊंगा, ये मैं डायरेक्टली कराऊंगा। अगर m n से छोटा है तो ये m टू दी पावर n माइनस m c वन m माइनस वन टू दी पावर n प्लस m c टू m माइनस टू टू दी पावर n, और ये जाते रहेगा। एक टाइम के बाद जब तुम माइनस कर रहे हो तो वो जीरो हो जाएगा अगर m n से छोटा है। अगर m और n सेम है तब तो वन वन और ऑन टू सेम ही होता है, और अगर m n से बड़ा है तो पॉसिबल ही नहीं है। नंबर ऑफ ऑन टू, तो नंबर ऑफ इनटू कितना होगा? नंबर ऑफ फंक्शन माइनस नंबर ऑफ ऑन टू, टोटल माइनस ऑन टू कर देना हो जाएगा। किसी को लिखना है तो लिख लो, इंक्लूजन एक्सक्लूजन से प्रूफ आता है, इसलिए प्रूफ को स्किप कर रहा हूं। मैं ना रिकॉर्डिंग को थोड़ा देर के लिए पॉज कर रहा हूँ, हाँ कुछ बोलना है तुम लोग को, मुझे न्यूज चैनल में आ जाएगा ना। चलो आगे चलता हूँ। वी आर अगेंस्ट पीडीएफ। अरे वो एलकेजी का बच्चे का काम है, ए को सुंदर से लिखना, बी को सुंदर से करना। इस ठीक है, ट्वेल्थ में आ गए और वो काम करोगे, उससे अच्छा है बैठ के प्रोग्रामिंग सीखो। हाँ आगे चलूं मैं तो अगर मैं कहता हूं कि फंक्शन सपोज ए से लेके बी तक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए चार है, पांच है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी चार है, तो नंबर ऑफ फंक्शंस कितना होगा बोलोगे? अच्छा मैं बस, तुम बोलोगे सर याद नहीं हुआ, कौन कह रहा है, कौन बनेगा करोड़पति थोड़ी ना, ऊपर अभी लिखे तो लिखे हो या नहीं, नहीं लिखे हो तो ठीक है तब पीडीएफ लिख दो। हाँ ऊपर देखो क्या था, हाँ फोर टू दी पावर फाइव। नंबर टू, नंबर ऑफ वन वन मैपिंग कितना होगा ऊपर से देखो? एम पी एन था ना, मुझे तो लग रहा है, नहीं क्या मैंने गलती लिखा है क्या? नहीं, हाँ एम पी एन। अच्छा एक मुझे सिखाना ऐसा था, फोर पी फाइव अजीब नहीं लग रहा है, हाँ या ना? Yes, तो इसीलिए एक ही फॉर्मूला याद रखो ना, एक ही फॉर्मूला याद रखो ना, एम पी एन, अजीब लगने से आंसर जीरो होता है, आया समझ में? Yes, sir. तो वो तीन केस मीनिंगलेस है, वो किताब में रहता है, मैंने भी किया बा। अरे एम पी एन होता है, अजीब लगेगा तो जीरो होगा। तीसरा, नंबर वन वन फैंक, नंबर ऑफ ऑन टू फोर टू डी पावर फाइव माइनस फोर सी वन, देखो यही फॉर्मूला, ये फॉर्मूला याद रखना होगा, याद रखना होगा। फोर सी टू फोर माइनस टू टू डी पावर फाइव, फोर सी थ्री फोर माइनस, आगे लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि फोर माइनस फोर जीरो होता है। किसी को लिखना है तो लिख लो, बस इसके बाद एक छोटा सा चीज बताऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा, डाउट लूंगा अगर है तो। टाइम मार दे देता हूं 45 सेकंड का। और देखो मैं फिर से कह रहा हूं, स्कूल की भी मजबूरी है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि स्कूल, देखो यार लास्ट ईयर इसी बैच में वो स्टूडेंट्स हैं जिनका स्कूल में बहुत खराब मार्क्स आ रहे हैं। स्कूल में जब तुम्हारा मार्क्स बहुत ही खराब आ रहा है तो अब मैं अगर तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं तुम्हारा पंचुअलिटी कम है, तो तुम्हें पीडीएफ लिखना होगा। ठीक है, मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है कि तो तुम मेहनत करने के लिए इससे रेडी हो, वरना मैं भी अगर स्कूल में होऊंगा तो मैं भी यही करूंगा। अरे क्योंकि स्कूल में मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो
ऑनलाइन का मतलब फ्रीडम है ना उनका, और जब मार्क्स खराब आएगा तो फिर पेरेंट्स बोलेंगे। आगे चलूं तो वो माइनस होना चाहिए था क्या? कौन सा बोल? हाँ ये माइनस है, ये, हाँ ये हाँ प्लस माइनस। आगे चलूं? यस सर। इवन ऑड फंक्शन, बस थोड़ा सा, हाँ ज्यादा नहीं। इवन ऑड फंक्शन, सपोज एफ एक फंक्शन है जो एक सेमेट्रिकल इंटरवल में डिफाइन होना पड़ेगा, हाँ माइनस ए से ए तक, से लेके कुछ एक बी तक है, हाँ सच दैट अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ ऑफ एक्स है, सबके लिए रे, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन माइनस ए से ए तक, तो तुम कहोगे एफ इज इवन फंक्शन। अब इवन फंक्शन का कुछ एग्जांपल दे सकते हो तुम लोग? बोलो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू एक्स स्क्वायर, नहीं तो कॉस एक्स मॉड एक्स। वही अगर ये माइनस को बाहर निकाल देता है हर एक के लिए, हर एक के लिए, तब तुम कहोगे एफ इज ऑड फंक्शन। एग्जांपल दोगे? एक्स क्यूब साइन एक्स, साइन एक्स, ठीक है इस टाइप से। बस एक ही दुनिया में ऐसा फंक्शन है जो दोनों इवन एंड ऑड है, कौन सा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल एक्स होता है, क्योंकि तुम जीरो भी लिख सकते हो और माइनस, तुम जीरो भी लिख सकते हो और माइनस जीरो भी लिख सकते हो। यही एक दुनिया का इकलौता फंक्शन है जो क्या है, बोथ इवन एंड ऑड। ठीक है, किसी को लिखना है तो लिख लो, फिर आगे चलूंगा। फोर्टी फाइव सेकेंड का टाइम दे रहा आगे चलूं? यस सर। सर थोड़ा ठीक, बोल देना जिसने रोका है। यस सर। हो गया? यस सर। ठीक है सर, आगे चल रहा हूं। तो मेहनत करना होगा, ठीक है, और डिसीजन अगर तुमने कुछ लिया है तो पेरेंट्स को बोलो कि मैंने एक डिसीजन लिया है। उससे क्या फायदा होता है जानते हो? सपोज तुमने ये डिसीजन लिया कि नहीं मैं कल से चार घंटा पढ़ूंगा रात को, तो पेरेंट्स को बोल दो ये बात। उससे क्या फायदा होगा ना कि परसों सुबह पेरेंट्स तुम्हें बोलेंगे कि देखो बेटा तू दो घंटे के बाद सो गया था, तूने बोला था चार घंटा पढ़ेगा, तो तब तुम्हारे ऊपर एक आंख रहता है कि हाँ वो इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, चेक फॉर इवन ऑड। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये इवन है या ऑड है? कभी कभी तुम डायरेक्टली नहीं बोल सकते, तुम एफ ऑफ माइनस एक्स निकाल के देखो क्या मिला, माइनस एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वन प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ ऑफ माइनस एक्स क्या मिला, ln of, ये हो जाएगा रूट ऑवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। चल बोल, ऑब्जर्व कर पा रहे हो ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है, हाँ या ना? कोई कुछ बोल नहीं रहा है? yes. अगर ये इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर है तो इसे क्या लिख सकते हो, किसे मल्टीप्लाई कर सकते हो? तो अगर तुम प्लस एक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा अल्टीमेटली, एल एन ऑफ, ये तो वन हो जाएगा। और मेरे ख्याल में ये तो फॉर्मूला जानते ही हो, एल एन वन ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस एल एन ए। तो ये माइनस एल एन ऑफ एक्स प्लस रूट ओवर ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मतलब क्या मिला, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स, तो क्या बोलोगे, एफ इज ऑड। ऑड खेला खत्म।
तो कभी कभी ये भी करना होगा। लास्ट सम इसके बाद एक कराऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास इवन और करेंगे। चलूं? यस सर। अगर जीरो नहीं है ना, तो देखो देयर आर सम फंक्शन जो ना तो इवन होते हैं ना तो, क्योंकि ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन ऑड है, ये फंक्शन क्या है इवन। तुम जब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालोगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब होगा। तो ध्यान से देखो, ना तो माइनस बाहर निकला ना तो अंदर रहा। तो ऑड प्लस इवन नॉर्मली, अगर जीरो वाला केस अलग है, जीरो अगर एफ ऑफ एक्स इज आइडेंटिकली जीरो नहीं है तो ये नाइदर इवन होता है नॉर ऑड होता है। मगर अब मैं तुम्हें कभी ऐसा अगर सम दे दूं कि सपोज एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू दे दूं ए माइनस फाइव साइन एक्स प्लस ए प्लस सिक्स कॉस एक्स इज इवन फाइंड ए, तो ये वाला तुम्हारा ऑड फंक्शन है, ये वाला तुम्हारा इवन फंक्शन है, और सम करने से तुम्हें इवन मिलना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट रहना चाहिए या इसे वैनिस होना चाहिए? जीरो होना पड़ेगा। वैनिस होना चाहिए। तो वैनिस होने के लिए कब वैनिस होगा ये, तब ए का क्या वैल्यू जीरो होना पड़ेगा। हाँ, तो क्या वैल्यू, क्या जीरो होना पड़ेगा, कोएफिशिएंट को जीरो होना पड़ेगा। तो ए इक्वल टू फाइव आया समझ में ना? Yes, sir. क्योंकि even plus odd is neither even nor odd, तो ये common type का सम है जहां पे इस type से कुछ पूछा जाएगा। चलो ठीक है, लिख लो। एक काम करोगे क्या यार, अगर doubt है तो common doubt कल आ जाओ ना, कल जिन लोगों का डाउट है कल मुझसे पूछे ना, कल मैं एक बार भेज दूंगा। हाँ, 9 बजे के आसपास। हाँ, मुझे मतलब आज क्या है कि एक थोड़ा सा काम है मुझे। हाँ, कल 9 बजे के आसपास मैं लिंक भेज दूंगा, जिन लोगों को डाउट है वो डाउट ठीक है आ जाना फिर, तो स्पेशल डीपीपी ऑफ रेंज हम डिस्कस कर लेंगे वहीं पे। हाँ, स्पेशल डीपीपी ऑफ रेंज। हाँ, मगर आज जो सीट भेजूंगा उसका डिस्कशन कल नहीं करूंगा। हाँ, वो डिस्कशन मैं थर्सडे को करूंगा, क्योंकि कल उस वाले बैच के बंदे भी रहेंगे, तो इसलिए आज का सीट का डिस्कशन नहीं करूंगा। लिख लिया ये? यस सर। ठीक है, तो आज मैं निकलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, चलो फिर।